भंडारी, आज दिनांक 14 मई 2020, यह हमारा दूसरा संभाषण है। हमारा विषय हजारों किलोमीटर के पैदल सफर पर भूखे प्यासे तड़पते बच्चों के आंसू। कहते हैं कि अब इन शैतान कर्णधारों को नहीं बचाया जा सकेगा। दोस्तों, हम अपने ब्लॉग्स में लिखते रहते हैं, थोड़ा थोड़ा बोलते रहते हैं, छोटे से आदमी हैं कि भैया कर्णधारो भाग लो, भागना है तो भाग लो। मैं सालों से ही लिखता आ रहा हूँ, आप पढ़ेंगे तो लगता है मेरी वो भविष्यवाणियाँ सही होने जा रही हैं। ये भी एक भविष्यवाणी ही है। तुम पूछोगे कि भाई यहाँ बचाए जाने का मतलब क्या है? इनकी कुर्सी को बचाना है कि ज़िंदगी को बचाना है कि इज्जत को बचाना है? मेरे विचार से इनकी इज्जत और कुर्सी की तो बात ही मत करो, यह तो जाएगी ही। भाग भाग कर ये लोग अपना प्राण बचाएं, यही गनीमत है। लगता है ईश्वर का हृदय कांप उठा है, तभी तो उसने मुझसे ये मैसेज कन्वे किया है। मेन हाईवे पर मेरा मकान, जब मैं छोटे छोटे बच्चों को मजदूरों को देखता हूँ तो मेरा कलेजा मुँह को आता है, लेकिन मैं करूँ क्या? अब ये लोग मरेंगे, लेकिन ये पब्लिक का ज़्यादा नुकसान करके नहीं मरे हैं। दोस्तों, अभी घरों से बाहर निकल पड़िए, कुछ करिए। अब इस देश में होना तो वही है जो इस डिवाइन डिजाइनिंग के थ्रू मेरे पास कन्वे किया गया है। इस दुनिया में भयानक भयानक घटनाएं होती रही हैं, आगे भी होती रहेंगी। उनका जन्म कैसे होता है, क्यों होता है, ये हम अलग से अपने वीडियो में बताते रहते हैं और बताएंगे। जल्दी करिए, कुछ करिए। कुछ भी नहीं होता तो सुबह अपने ध्यान प्रार्थना प्रभु स्मरण करिए। ध्यान भी नहीं होता तो गुदड़ी ध्यान भी ही करिए। इस दुनिया की समस्याएं जिस रूप में हम लेते हैं, जिस तरह से हम संघर्ष करते हैं, उतना संघर्ष करने की जरूरत नहीं है। हम सब परमात्मा के बच्चे हैं, ढूंढो और मिलेगा, मांगो तुम्हें दे दिया जाएगा, दरवाज़ा खटखटाओ दरवाज़ा खोल दिया जाएगा। ये ईसा मसीह ने ऐसे ही नहीं बोला था, उस परमपिता परमेश्वर ने कहा प्रकाश हो जा और प्रकाश हो गया, फूल खिल जा और फूल खिल गए, ब्रह्मांड बन जा और ब्रह्मांड बन गया। आप और हम सब उस परमपिता के बच्चे हैं। जो वो परमपिता ऐसा कर सकता है तो उसने वो ताकतें हमें भी दी होगी, घबराने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते जाइए और इन दरिंदों को बता दीजिए कि देश में शासन कैसे चलाया जाता है।
कई बार मैं बहुत भावुक हो जाता हूँ, ज़्यादा बोल नहीं पाता। अब भारत में कुछ अभूतपूर्व परिवर्तन होगा, अच्छा ही होगा, उसके लिए कुछ न कुछ भरपाई तो करनी पड़ती है। देखो, जय हिंद, जय भारत।